दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। इराक में आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के जिंदा होने पर अब उनके परिजनों को संदेह होने लगा है। इसी के चलते बंधकों के परिजनों द्वारा जलंधर के जिलाधीश कमल किशोर यादव को एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा अपील की गई है कि वे प्रशासन से बात कर उनके बच्चों को वापस ले आए। इराक 40 पंजाबी नौजवान जो फसे उस मुद्दे बारे अब डी सी साहब मिलने वास्ते आए, उन्होंने आज 7वां महीना लग गया। हाँ जी, तो उन्होंने बारे हले तक कोई जानकारी नहीं मिलती पी है, इस करके डी सी साहब ना गल करनी। देखो जी, असं रिक्वेस्ट करना आए हैं डी सी साहब जिदा पंजाब सरकार तक साड़ी आवाज़ पहुँचाई जाए। जोड़े 40 बंदे आ इराक फसे आ, उन्होंने अजे तक कुछ नहीं पता लगा। देखो जी, मतलब कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो यह पूछा जाए कि अजे तक उन्होंने कोई प्रूफ क्यों नहीं मिले, कोई उन्होंने दबाव पाया जाए, कुछ नहीं हजे देखो ये पता लगा। दूजी साड़ी ये जिदा सारे परिवारों को माली सहायता मिली है 20,000 रुपया, साढ़े सीएम साहब ने जिदा मतलब कि स्कीम लाई सी। अजे तक जिदा 3 जलंधर के परिवार है, इन्हों कोई मतलब कि सहायता नहीं मिली।